हुकूमत को ये बताना चाहता हूं जो आज डिस्कशन गुड़म्बे के ताल्लुक से लाया गया, ये गुड़म्बा सेहत के लिए और माशरे के लिए भी कोई काम करने काम लाने वाली चीज नहीं। सिर्फ गुड़म्बा ही नहीं, इसके अलावा ड्रग्स हो या वाइन्स हो या सेंधी हो या जो वाइटनर लेते हैं आज के ज़माने में, इससे आवाम के ऊपर और आवाम की सेहत के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। आज देखिए रियासत तेलंगाना के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई विलेजेस के अंदर कई ऐसे इस गुड़म्बे की वजह से और इस ड्रग की वजह से कई जाने फोत हो चुकी। मैं आपको इस जरिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, आज शहर हैदराबाद के अंदर भी देखिए पिछले एक दो महीने से लगातार कंपाउंड्स के ताल्लुक से या वाइन्स के ताल्लुक से या ड्रग्स के ताल्लुक से कई नौजवानों की ज़िंदगी फोत होते जा रही है और इस चीज़ों की माशरे के अंदर एक किस्म की तब्दीली आती जा रही है। क्योंकि मैं पिछले 8 दिन पहले मेरी कॉन्स्टेंसी कारवान के अंदर जहां पर दलित लोग बसते हैं उसी इलाके के अंदर गया था मैं, और जो दलित मेरे भाई जो इस्तेमाल करते थे आज वो इस्तेमाल पीछे हट रहे हैं, जिसकी वजह यह सेहत के लिए और उनके घरों के अंदर कई ऐसी इस चीज़ की वजह से कई जिंदगियां फोत हो चुकी। मैं आपको इस जरिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूं कि आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर बैन करना चाहिए। सिर्फ गुड़म्बा ही नहीं, इसके अलावा कंपाउंड्स हो सेंधी के और या वाइन शॉप्स हो या ड्रग्स हो या वाइटनर जैसी चीज़ें, मैं मेरे हिसाब चाहता हूं रोज़ अखबार के अंदर पेपर के जरिए टीवी के जरिए देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, क्योंकि कई जिंदगियां इस से फोत होती जा रही हैं और रियासत तेलंगाना के अंदर खास तौर से हैदराबाद के अंदर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज़ हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो हबीब नगर पीएस की लिमिट के अंदर कई कंपाउंड्स है, कई वाइन शॉप्स है और जिसकी वजह से वहाँ पर जो इस्तेमाल करते थे आज वो इस्तेमाल करने से भी पीछे हट रहे हैं, जिसकी वजह आज उन्होंने महसूस कर चुके इसकी वजह से इनको सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और उसी तरह से कई जाने फोत हो चुकी। मैं आपको इस जरिए से बता रहा हूँ, सिर्फ गुड़म्बा ही नहीं, शराब वाइन्स को भी बंद करना चाहिए, ड्रग्स को भी बंद करना चाहिए माशरे के अंदर। और आज हमारे रियासत अंदर वाइन शॉप्स के भी बड़े बड़े सोसाइटी कॉलोनीज के अंदर भी परमिशन दिया जा रहा है, इसको ये जो भी कॉलेज के अंदर हो या मसाजिद के अंदर हो, मसाजिद के करीब में हो या टेम्पल्स के करीब में हो या स्कूल्स के करीब में हो, जितने भी लाइसेंस दिए गए इन तमाम लाइसेंस को रद्द करना चाहिए। और खास तौर से रियासत तेलंगाना की हुकूमत को बताना चाहता हूं इन तमाम चीजों से और आवाम की खास तौर से इनकी सेहत के लिए सोचना चाहिए। हमारे रियासत तेलंगाना के मिनिस्टर साहब है, हम इससे नुमाइंदगी कर रहे थे कई वाइन शॉप के लिए, क्योंकि आज देखते होंगे वाइन शॉप के रूल्स के हिसाब से मसाजिद स्कूल्स चर्च टेम्पल्स इनके अलावा 100 मीटर के अंदर और 100 मीटर नहीं कई जगह पर तो 20 मीटर के अंदर ही इनका परमिशन दिया जा रहा है। सिर्फ गुड़म्बा के ताल्लुक से नहीं, ये वाइन शॉप को भी बंद करना चाहिए, बंद तो बंद खास तौर से इनके ऊपर बैन करना, चाहे वाइटनर्स हो या गुड़म्बा हो या वाइन शॉप हो जो सिंधी कंपाउंड्स हो और ड्रग्स हो, तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए। मैं आपको इस आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहता हूं और कई एरिया के अंदर खास तौर से मेरी जो जियागुड़ा सर वहां पर कई डिस्ट्रिक्ट से जो बकरे बेचते हैं वहां पर बकरे बेचकर वहां वाइन शॉप के अंदर जाते हैं, उनके हजारों रुपये चले जाते हैं, जिसकी वजह वाइन शॉप हो या कंपाउंड्स हो या आज नहीं देखा जा रहा या टेम्पल है बाजू टेम्पल के बाजू या मसाजिद के बाजू खोल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम के दरमियान में एक किस्म की पेशीदगी और एक किस्म की बेचैनी महसूस हो रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं इन तमाम चीज़ों के ऊपर आवाम की गुड़म्बा भी बिक रहा है और मैं आपको इस आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं इन आवाम सबसे पहले इन
शिफा आवाम की जिंदगी आवाम की सेहत के तालुक से भी सोचना चाहिए और ये माशरे के अंदर एक किस्म की तब्दीली आती जा रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ, आप जो टाइम दिए शुक्रिया।